6 जुलाई मॉर्निंग आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है भक्तों की। आज यात्रा अभी रोक दी गई है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, 2 दिन का अलर्ट है और बारिश हो रही है बहुत तेज यहाँ पे, और बहुत ज्यादा मौसम खराब है इस वक्त। और यात्री लोग रुके हुए हैं। सुबह थोड़ी कॉन्वाई छोड़ी थी, मतलब जो यात्री हैं वो छोड़े थे आगे के लिए, फिर रोक दिए गए बारिश क्योंकि तेज हो गई थी। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, वो डोमेन गेट है, और इस साइड देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भक्तों की। बहुत ही लंबी लाइन है आज, कम से कम नहीं तो चंडीगढ़ लंगर पार लाइन है ये। ये देखिए कितनी लंबी लाइन, सभी भक्त लोग इसी इंतजार में हैं कब यात्रा खुलेगी, मगर हमको नहीं लग रही है कि यात्रा खुलेगी। आप लोग देख सकते हैं अब यात्रा खुलेगी, बंद कर दी गई है। आप लोग देख पा रहे हैं इतनी बारिश हो रही है, उसकी वजह से यात्रा बंद हो गई है और सभी भक्त लोग वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जॉर्जिला पास से कितने काले बादल यहाँ पर आ रहे हैं, और हमारे सेवादार अवनीश भाई छाते लेके मौसम का मजा ले रहे हैं। और अब देख सकते हैं ऊपर अभी बर्फ नहीं गिर रही है, मगर ऊंची ऊंची चोटियों में बर्फ गिरने के भी आसार है। और आप देख सकते हैं यात्रा पूरी तरह से रद्द है। आप लोग जहां कहीं भी हो अपने टेंट में विश्राम करें, यहां पे भीड़ ना लगाएं, यात्रा रद्द है जब तक कि मौसम साफ नहीं होगा। फिलहाल आप लोगों को यही अपडेट देना था, आज का सुहाना मौसम। हर हर महादेव। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंगर में भी सन्नाटा है, सभी भक्त लोग वापस जा रहे हैं, और अब फिर भी मौसम क्लियर हो रहा है, मगर फिर भी इन्होंने यात्रा कैंसिल कर रखी है क्योंकि ऊपर से मलबा आता है ऐसे मौसम में जब भी बारिश हो जाती है, इसकी वजह से यात्रा कैंसिल हो गई है। और आप देख सकते हैं मौसम साफ हो गया है और इधर धूप भी निकलना शुरू हो गई है। और अब एक यात्री जी हैं जो दर्शन करके आए हैं, उनसे पूछते हैं कैसे बाबा इस वक्त हैं और कैसा उनको लगा। जय बोले भैया। जय बोले, हर हर महादेव। ये बताइए सभी को, हाँ ये बताइए, आप दर्शन करके आए तो आपको कैसे बाबा के दर्शन हुए? बहुत लोग बता रहे हैं बाबा अंतर ध्यान हो गए। बाबा जब मैं गया था तो मुझे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ, क्योंकि बाबा बाल रूप में थे, और कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि बाबा अंतर ध्यान हो गए। तो बहुत लोग जैसे यात्रा कैंसिल कर रहे हैं, तो आप क्या कहना? ना ना ना, कैंसिल नहीं करना है। अरे देखिए, भगवान का स्वरूप क्या है, ये जो पहाड़ पर्वत है, नदियां हैं, यही तो भगवान का स्वरूप है। तो आप ये सब, ये भोले बाबा का ही परिक्षेत्र है, तो आप लोग यात्रा कैंसिल ना करिए, दर्शन करने आइए। स्थान का महत्व होता है, तो स्थान पे आइए और दर्शन करिए, अपना भाग्य खोल दीजिए, फिर ऐसा मौका जीवन में फिर बार बार नहीं आएगा। और अरे यार, ये यात्रा बहुत कठिन है, एक तो जल्दी यहाँ से बुलावा नहीं आता है, और तुम्हारी बुलावा आ गई है तो आंख बंद करो और आ जाओ, वहां के रज को स्पर्श कर लोगे ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। अरे यार महादेव। जय बोल। नहीं नहीं भैया, मैंने देखा कि गुरु जी ने जो बताया है आप लोगों को, अपनी यात्रा कैंसिल नहीं करनी है। बाबा जी उस वहां पे शिवलिंग के रूप में विराजमान हो या ना हो, आप लोगों को यात्रा पे जरूर आना है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आज भी करीब 25,000 भक्तों ने दर्शन करे हैं, और ऐसे बारिश वाले मौसम होने के बावजूद भी यात्रा पे भक्त आ रहे हैं, और कोई भी ऐसी लैंडस्लाइड जैसी वो सुनने में नहीं आई है खबर। आप बस बारिश 2 दिन बहुत ज्यादा हो रही है, रेनकोट लेकर आइएगा। और कोई भी डाउट हो, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं, कहाँ पे RFID बनवाएं, जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।